विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड में आदिवासी समुदाय के लोगों ने उत्साह के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया। इसी को लेकर मुंडा समाज के द्वारा राजधानी के राजेंद्र चौक से फिरायालाल चौक तक रैली निकाली गई। रैली में देश के जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। मुंडा समाज की तरफ से आयोजित रैली में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और उनकी पत्नी मीरा मुंडा आदिवासी परंपरा की विशेष वेशभूषा में दिखाई दिए, जो रैली में आए लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। अर्जुन मुंडा पेड़ पौधों से बनी टोपी और आदिवासी परंपरा के अनुसार धोती और बंडी में दिखे, तो वहीं उनकी पत्नी भी आदिवासी महिला की वेशभूषा में थी। रैली में शामिल अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ पर आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने विलुप्त हो रही आदिवासी भाषा पर कहा कि आदिवासियों की संस्कृति और भाषाओं को बचाने के लिए केंद्र सरकार योजनाएं चला रही है। दिन में ये विजुलाइज करने की आवश्यकता है कि बीइंग ए आदिवासी हम प्रोग्रेसिव कैसे हो, बीइंग ए आदिवासी हमारी आइडेंटिटी, हमारे कल्चर, हमारे इथिक्स, हमारे वैल्यूज को हम लेकर के कैसे आगे बढ़े, इसका एक यूएन रेजुलेशन के माध्यम से दुनिया के आदिवासियों के एबोरिजिन्स के इंडिजिनस के भविष्य को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये ध्यान में रखते हुए समस्त देश मिल कर के ये फैसला किया है। और इसलिए बहुत सारे ऐसे तिथि निर्धारित होते हैं जिस तिथि में बहुत तरह के कार्यक्रम या एक थीम जनरेट होता है। इस बार का थीम है कि जो जनजातीय विलुप्त भाषा हो रही है, भाषा में जो लगातार हमला हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए। कहा गया है कि हर दो सप्ताह में ट्राइबल लैंग्वेज अटैक हो रहा है, उसको लोग भूलते जा रहे हैं। जब हम जानते हैं जैसे मुंडा भाषा परिवार, ये बहुत पुराना भाषा परिवार है, तो इस भाषा को अक्षुण रखते हुए वैसा ही देश के समस्त ऐसे जनजातीय बोली, जनजातीय भाषा, जनजातीय परंपरा को बरकरार रखने के लिए इस बार का ये रेजोल्यूशन है। और मैं समझता हूँ कि जनजातीय मंत्रालय इस पर ज़्यादा फोकस करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के वादे को और जनता को जोड़ने का जो एक मुहिम है उसको पूरा करेंगे। आपको बता दें कि इस साल संयुक्त राष्ट्र ने भाषा को आदिवासी दिवस का थीम बनाया है। पूरे विश्व में 370 मिलियन आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का 5% है। न्यूज़ डेस्क।